पाकिस्तानियों ने हमारी कारगिल, मशको, द्रास पहाड़ियों पर धोखेबाजी से वहाँ पर घुसपैठ की थी और कब्जा कर लिया था। व्हेन वी वर गोइंग इन, आई गॉट अ न्यूज़, माय कोस्टमेट विक्रम बत्रा, हु इज़ नो लॉन्गर विद अस, इमेजिन वी हैड ट्रेन्ड टुगेदर फॉर ईयर्स इन द एकेडमी। देशभक्ति होती है आपके दिमाग में, आपके जहन में पीछे, लेकिन आपको जो आगे लेके जाता है, आपको जो मोटिवेशन देता है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव हमने लेना है, वो होती हैं ये तीन चीज। इंडियन आर्मी हैज बीन इन द सर्विस ऑफ दिस नेशन फॉर पास्ट मेनी ईयर्स, बोथ ड्यूरिंग पीस एंड वॉर। ड्यूरिंग इट्स लॉन्ग जर्नी विच हैज बीन ग्लोरियस, भारतीय सेना ने अनेकों ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है और सफलता से हिस्सा लिया है। मैं कर्नल दीपांकर शेरावत इस ऑर्गेनाइजेशन का पिछले 21 सालों से एक हिस्सा हूँ। बचपन से ही मेरे अंदर एक जज्बा रहा था कि जाना है तो इंडियन आर्मी में जाना है। अब इफ आई मे से दैट द चाइल्डहुड, योर ड्रीम्स ऑफ चाइल्डहुड, दे गेट शेप्ड बाय योर बाय द एनवायरनमेंट दैट यू आर एक्सपोज टू। अब जिस तरीके के एनवायरनमेंट में रहते हैं उससे उसका काफ़ी हिस्सा रहता है कि आप आगे जा कर के क्या बनेंगे। सो मैं जिस जगह से आता हूँ, भिवानी में एक हमारा गांव है, उस गांव में तकरीबन हर घर में एक ना एक फौजी रहा है। उसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था मेरे इस डिसीजन पे कि मैं फौज को ज्वाइन करूँ। दूसरा, पढ़ाई में मैं ठीक ठाक ही रहा था। टेंथ में मैथ्स में आई हैड 149 आउट ऑफ 150 एंड सिमिलर मार्क्स इन साइंस एंड सिमिलरली इन माय 12th। सो माय पेरेंट्स ऑलवेज वांटेड मी टू ज्वाइन IIT, बट एंड थोड़ा सा मेरा टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड भी रहा है। मैंने बचपन में अपने 11th में एक एंटरप्रेन्योर स्किल भी वेंचर भी करने की कोशिश की, जिसमें मैं काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। उन दिनों केबल TV नया नया आया था इंडिया में, तो मैंने सोचा, उस समय हम लोग हिसार में थे, आई थॉट कि लेट मी ट्राई माई हैंड आउट ऑन दिस। तो मैंने अपना खुद का केबल TV नेटवर्क भी लगाया, जो कि काफ़ी अच्छा चला। फिर मेरे पेरेंट्स ने बोला, अब तू IIT कर ले यार, कहाँ फ़ौज में जाएगा। मैंने कहा नहीं, जाना तो फ़ौज में ही है। सो क्योंकि हमेशा से ही हम देखते आए लोगों को कि यूनिफॉर्म में हर घर में कोई ना कोई फ़ौजी है, और कॉमिक्स भी पढ़ते थे तो भी वो कमांडो कॉमिक्स पढ़ते थे। तो फिर एक सीरियल भी आया था उन दिनों फ़ौजी करके, शाहरुख खान का, तो वो भी हम देखते थे। सो इन सब चीज़ों से काफ़ी एंड देन यू नो फाइनली दैट ग्लैमर, घर में जब भी कोई बात करता था 71 की लड़ाई की बात करता था कि किस तरीके से उन्होंने 71 की लड़ाई जीती। हमारे नाना जी बात करते थे तो 47-48 की, 65 की उनकी बात करते थे। सो उससे मतलब एक जज्बा सा बनता आया गया, और इसलिए मैंने फौज को ज्वाइन करने का फैसला किया। और इसी तरह से 12वीं के दौरान ही मैंने UPSC का जो NDA का एग्ज़ाम होता है उसे क्लियर किया, और इमिडिएटली आफ्टर माई 12th आई ज्वाइन द नेशनल डिफेंस अकेडमी एट खड़कवासला पूना। आफ्टर आई पास्ड आउट फ्रॉम NDA वी वेंट टू इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून, वेर इन ड्यूरिंग बिफोर आर पासिंग आउट वी हैव टू एक्सरसाइज आर चॉइस कि हमें किस रेजिमेंट में हम जाना पसंद करेंगे। सो आई एक्सरसाइज माई चॉइस, और मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरी जो चॉइस थी नागा रेजिमेंट वो मुझे मिली। एक यंग ऑफिसर का आर्मी के अंदर जो बेडिंग इन होता है, वो उसकी इनिशियल जो ग्रूमिंग होती है पलटन के अंदर, उस पर बहुत निर्भर करता है। और यही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है पूरी इंडियन आर्मी में, कि यंग ऑफिसर को अच्छे से ग्रूम किया जाता है ताकि वो फ्यूचर में जाकर के एक अच्छा लीडर बन सके। मेरी इनिशियल ग्रूमिंग जो हुई, मैं उसके लिए अपनी पलटन को, अपने उस्तादों को जिन्होंने मुझे ट्रेन किया, उनका दिल से आभारी हूँ, क्योंकि यही वो ट्रेनिंग है, यही वो ग्रूमिंग है जिसकी वजह से एक जो मेरी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है इस जर्नी का,
जो कि कारगिल वॉर था, जिसके बारे में मैं आगे चल के बात करूंगा, इस ट्रेनिंग और इस ग्रूमिंग का, उस ऑपरेशन में हमारा सक्सेसफुल होना, बहुत बहुत ये जो ट्रेनिंग और ग्रूमिंग है उसमें बहुत इसका बहुत ज़्यादा हाथ है। ऑपरेशन विजय, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कारगिल की लड़ाई 1999 में जब पाकिस्तानियों ने हमारी कारगिल, मशको, द्रास पहाड़ियों पर इन्फिल्ट्रेशन करके जो धोखेबाजी से वहाँ पर घुसपैठ की थी और कब्जा कर लिया था, उसका नतीजा था कि भारत को, हमारे देश को उस लड़ाई में जाना पड़ा, क्योंकि हमें अपनी ज़मीन दुश्मन से वापस लेनी थी। सो माई बटालियन गॉट इंडक्टेड इनटू ऑपरेशन विजय एंड वी वर टास्क्ड टू कैप्चर वन ऑफ द फीचर्स विच वॉज डोमिनेटिंग द नेशनल हाईवे। जो नेशनल हाईवे है, जो कि एक लाइफलाइन है श्रीनगर और लेह के बीच में, उसको इतना डोमिनेट कर रहा था कि कोई भी मूवमेंट वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। जैसा कि जैसे ही हमारी पलटन वहाँ पहुँची, तो स्वागत जैसे हम करते हैं, तो दुश्मन ने हमारा स्वागत किया खूब सारी आर्टिलरी शेलिंग से, जिससे कि हमारा हौसला और मजबूत हुआ। और इतने डिफ़िकल्ट टेरेन, डिफ़िकल्ट वेदर में इंडियन आर्मी ने जो लॉजिस्टिक्स, जो आर्टिलरी इतने कम टाइम में वहाँ पे बिल्डअप की, एक प्रोफेशनल आर्मी ही कर सकती है। तो हमें अपनी आर्टिलरी का पूरा सपोर्ट था, टारगेट हमारा जो था बहुत मुश्किल था, हम 14,000-15,000 फुट की ऊंचाइयों पे थे, बैटल लोड था, और उन ऊंचाइयों पे ऑक्सीजन की कमी होती है, वहाँ पे ज़मीन ऐसी थी कि आप एक कदम ऊपर ले रहे हैं तो चार कदम नीचे फिसल रहे हैं। सो उन मुश्किलों के बीच मैं सल्यूट करता हूँ हिंदुस्तान के सभी वीर जवानों को, जो उन दुर्गम ऊंचाइयों पे, उन परिस्थितियों में वहाँ तक पहुँचे। वहाँ पहुँचना ही अपने आप में एक दुश्मन की गोलाबारी के अंडर वहाँ पहुँचना ही अपने आप में एक वीरता का कार्य है। लड़ाई की बात बाद में करेंगे, वहाँ पहुँचना ही एक दुर्गम और अद्भुत कार्य है अपने आप में। सो जैसा मैं बता रहा था, वी रीच देयर नियर आर ऑब्जेक्टिव अंडर इंटेंस फायर, द बटालियन एडवांस टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव एंड आफ्टर इंटेंस फाइट ऑफ 3-4 days वी वर एबल टू कैप्चर द ऑब्जेक्टिव। नाउ यू नो, आफ्टर द वॉर और आफ्टर द बैटल, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन और मेक एनीबडी अंडरस्टैंड दोज कंडीशंस। वहाँ पर जब आप होते हैं तो बिल्कुल आपके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आता कि इसे मैं याद करूँ या इसे मैं किस तरीके से। कई लोगों ने मुझसे पूछा, यार अपनी लड़ाई की फ़ोटो दिखाओ, तो मैंने कहा भाई हम लड़ रहे थे यार, फ़ोटो थोड़ी खींच रहे थे वहाँ पर। बड़ा मुश्किल होता है किसी को समझाना कि किस कंडीशन में, किस तरीके से आप लड़े हैं। बट वॉट आई वॉन्ट टू ब्रिंग आउट इज, यू नो, दीज अवार्ड्स, माई डेकोरेशंस, वाइल इट इज़ बीन गिवन टू मी इंडिविजुअली, बट इट इज़ आफ्टर ऑल द टीम एफर्ट। इट वॉज द एंटायर टीम विच वॉज रिस्पॉन्सिबल टू फाइट देयर। इट वॉज द हार्ड वर्क ऑफ द एंटायर टीम इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, द कंपनी, द बटालियन, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हु वर पार्ट ऑफ दिस ऑपरेशन टू हैव, यू नो, दे आर द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टूवर्ड्स दिस अवार्ड विच आई एम वेयरिंग टूडे। एंड हाउ डज दैट टीम फंक्शन? वी डू कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग, पीपल ट्रेन इन वेपन्स, पीपल ट्रेन इन टैक्टिक्स, पीपल ट्रेन इन वेरियस डिसिप्लिन्स विच दे आर सपोज टू, यू नो, एग्जीक्यूट ड्यूरिंग वॉर और पीस, दैट इज देयर ड्यूटीज। सो इट सो हैपन्ड कि जब हमारा हमला जाने वाला था, सो उस हमले के कुछ ही मिनट पहले दुश्मन की आर्टिलरी हमारे फायर बेस पर आकर गिरी और हमारी पलटन का पूरा फायर बेस तहस नहस हो गया। नाउ इमेजिन व्हेन यू आर अबाउट टू गो फॉर एन असॉल्ट, व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट इट इज़ गोइंग टू हैव ऑन द मोरल ऑफ द ट्रूप्स हु आर गोइंग टू अटैक, द कमांडिंग ऑफिसर देन,
the company commanders, that your fire base, which is supposed to provide you fire support during the intimate moments of the fighting, that is no longer there. But hats off to my commanding officer then. He motivated us. He motivated the entire battalion. And despite the loss, we went in. When we were going in, I got a news, my course mate Vikram Batra, who's no longer with us, he was fighting with us on the same feature. Anuj Nair, who's no longer with us. During that time, I got this news, and imagine, we had trained together for years in the academies, and you get this news that your buddy, your brother, is no longer there. Despite those setbacks, it is only what takes you ahead is only the three things which people have always been telling, and I strongly believe in it. That is Naam, Namak or Nishan. So firebase aapka ud gaya. Aapko ye bhi khabar mil rahi hai ki aapke jo coastmates hain, jo aapke saath rahe hain, wo bhi nahi rahe. Dushman aap pe artillery shelling kiya ja raha hai, aap pe firing kiya ja raha hai, aap capture kar rahe hain, wo counter attack kar raha hai, phir aap capture kar rahe hain. So isme yes, देशभक्ति होती है आपके दिमाग में, आपके जहन में पीछे, लेकिन आपको जो आगे लेके जाता है, आपको जो मोटिवेशन देता है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव हमने लेना है, वो होती हैं ये तीन चीज़ें जो मैंने बताई, नाम, नमक और निशान. नाम अपनी पलटन का, जो हम कंधे पर लेके चलते हैं. नमक देश का. निशान यानी कि हमारे कलर्स, हमारा झंडा, हमारा परचम. इन तीनों के लिए एक फौजी हमेशा अपनी जान को बिना किसी रिटन ऑर्डर्स के, आई मीन दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, वी डोंट वेट फॉर रिटन ऑर्डर्स. व्हेन वी आर गिवन एन ऑर्डर, इट्स एन ऑर्डर एंड वी एग्जीक्यूट द टास्क विदाउट इवन फियरिंग ऑफ द वर्स्ट. वाइल आई मे से दैट विदाउट फियरिंग, इट्स नॉट दैट कि डर नहीं लगता है, बट एक लीडर की क्वालिटी ये है या एक सोल्जर की क्वालिटी ये है कि उस डर को कितनी जल्दी वो काबू कर सके, अपने इमोशंस को कितनी जल्दी वो काबू कर सके. तो इसी दौरान हमने, हमारी एक कंपनी ने ट्विन बम का फीचर कैप्चर किया, और उसके बाद खबर मिली कि कुछ दूर एक और इनकी मोटर पोजिशन है. तो उस समय दिन का समय था, एंड नॉर्मली दिन के समय आप जितना हो सके कैमोफ्लाज वगैरह करके रहते. तो बावजूद उसके हमने उस मोटर पोजीशन को रेड किया, उस मोटर पोजीशन को इंटैक्ट कैप्चर किया, जिसमें कि पाकिस्तान की 5 मोटर्स थी, जो कि उस पूरे इलाके में पाकिस्तानी मंसूबों को फायर सपोर्ट दे रही थी. और जिस दिन ये मोटर पोजीशन कैप्चर हुई, एक्चुअली उनका उस इलाके से उनकी जो, व्हाट शुड आई से, इट एक्चुअली ब्रोक देयर बैकबोन एंड लेड टू देयर अल्टीमेट विड्रॉल फ्रॉम देयर. सो हाउ वाज इट पॉसिबल? बिकॉज ऑफ द मोटिवेशन ऑफ द सोल्जर्स, बिकॉज वी टेक प्राइड इन एग्जीक्यूटिंग द टास्क विच आर गिवन टू अस विदाउट रिस्किंग or without even fearing that we may risk our lives while executing our tasks. And that is what I thought I must share with you all today, that come what may, when the soldier of the Indian Army is given an order, given a task, be rest assured that he will do it, even if at the cost of sacrificing his own life. Tell us what you think about this video, and don't forget to like, share and subscribe.